दक्षिण अफ्रीका की धरती पर स्मृति मंधाना की बल्लेबाजी के बाद बारी थी गेंदबाजी की। टीम इंडिया की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने वर्ल्ड क्रिकेट में बुधवार को एक नया कारनामा रच दिया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला विकेट लेते ही एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम किया जो आज तक कोई महिला क्रिकेटर पूरी दुनिया में नहीं कर पाई। झूलन गोस्वामी ने अपने 166वें मैच में 200 विकेट लेने का कारनामा किया। इस मैच से पहले उन्हें 200 विकेट पूरे करने के लिए एक ही विकेट की दरकार थी। दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीका को जीत के लिए 303 रनों का लक्ष्य दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफ्रीकी टीम को पहला झटका देते हुए झूलन ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने वोलवार्ट को 9 रनों पर आउट कर अफ्रीकी टीम को पहला झटका दिया। झूलन गोस्वामी ने 166वें मैच की 165 पारियों में 200 विकेट लेने का कारनामा किया। उनका बेस्ट बोलिंग रिकॉर्ड 31 रन देकर 6 विकेट लेना है। महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड भी झूलन बना चुके हैं। महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड मिताली राज के नाम है। अब सबसे ज्यादा विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी एक भारतीय गेंदबाज के नाम हो गया है। 25 नवंबर 1982 को झूलन का जन्म कोलकाता में हुआ। उन्होंने अपना पहला वनडे मैच इंग्लैंड में खेला 2002 में। वीडियो डेस्क अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।